सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स माइक चेक चट चेक आई थिंक आई एम लाइफ बोर्थ ऑन दी एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन यूट्यूब सो आई वुड रेकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरी वन ऑफ यू ऑल की आप लोग एप्लीकेशन पर ही लेक्चर देखना है आज यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ बैकअप के लिए देख रहे हैं ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके कुछ टेक्निकल इश्यूज है या जिनको अभी तक लॉग इन और पासवर्ड नहीं मिला है तो ये यूट्यूब का लेक्चर इज ओनली एज अ बैकअप प्राइमरीली आपकी जिम्मेदारी है एप्लीकेशन पे ही लेक्चर को देखने की कुछ भी आपके इश्यूज होते हैं तो प्लीज गेट इट रिजोल्व बाय आर टेक्निकल टीम बाय टू डे इट सेल्फ क्योंकि कल से हमारे लेक्चर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एसपीसी के एप्लीकेशन पे ही चलने वाले हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल हाउ आई ऑल I hope you all are doing good and the day has treated you all good. So, let me begin with today's lecture. But before teaching you all anything new, I would first like to revise whatever I have done and taught you all till now, okay?

और बोलने की कोशिश करनी है ओके इफ आर नॉट एबल टू रिवाइज और यूर इफ आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट प्लीज मार्केट इन द टेक्स बुक सो दैट यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट द होम बाय योर सेल्फ ओके तो so, आ जाइए चलो आपके सारे सवालों का जवाब होगा बट पहले मुझे सिखाना तो शुरू कर दीजिए उसके बाद वी विल हैव द क्वेश्चन एंड आंसर एंड दैट टाइम यू कैन आस्क मी ऑल द थिंग्स दैट यू ऑलवेज वांटेड टू आस्क मी बीसीआर कब चालू होगा टाइमिंग क्या होगा टेक्निकल टीम ने सपोर्ट नहीं किया है आप लोग जो भी यहां पे मैसेज में मुझे भेज रहे हो डोंट वरी एवरी इशू विल बी सॉल्व माई टीम इज वेटिंग टू रिजोल्व ऑल योर इशूज नॉट वरी ओके करेंटली यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट अभी आपका फोकस

विप जैन आई थिंक मेरा जो लेक्चर है वो बीसीआर के सेक्शन में शुरू है सो प्लीज चेक दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड मेक इट श्योर एटलीस्ट द लेक्चर इज बीन प्लेड ऑन द एप्लीकेशन ठीक है ओके हर्षिता और शोभेत संभालो अपने आप को आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी करेंटली आई हैव कम लाइव जस्ट फॉर योर तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉ बाद में आपके सवालों का जवाब मैं आपको दे दूंगी कि इंग्लिश क्लास कब से शुरू होगी और टाइमिंग क्या है एंड वगैरह वगैरह ठीक है तो आ जाइए चलो

एन अग्रीमेंट तो ऑफर देना और इसी ऑफर को एक्सेप्ट करना इसी का मतलब होता है एज अग्रीमेंट और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है इट विल टर्न आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट सो so बेसिकली आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन योर इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन तो ही आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है अदरवाइज योर अग्रीमेंट रिमेन्स टू बी एन अग्रीमेंट अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो सीन द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द वर्ड अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट तो बताओ मुझे कौन सा शब्द वाइडर है सो यू ऑल नो द वर्ड दैट इज ब्रॉडर इज एन अग्रीमेंट Agreement will include a social agreement, a domestic agreement, and will also include a commercial agreement. But the agreement which legally enforceable hai, will turn into a contract. So, wider term agreement, narrower term contract.

साथ साथ में असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की भी हमने शुरुआत की थी जनरल पॉइंट्स के सारे भी पांच पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे जिसको मैं पहले रिवाइज करूंगी एंड देन वी विल मूव अहेड सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको लगते हैं कम से कम दो पार्टीज कितनी पार्टीज लगती है बोलो तो बेटा यू रिक्वायर एटलीस्ट टू पार्टीज इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट

एंटर करने की चाहत रख रहे हैं दीज दीज पार्टीज शुड हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अलॉन्ग विद दैट माई डियर फ्रेंड्स यू ऑल्सो नो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रेक्ट इज ऑलवेज इन राइटिंग या अगर आप मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या परचेस इज ऑलवेज इन राइटिंग इट इज साइंड इट इज रजिस्टर्ड एंड इट इज स्टैंप्ड अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट नहीं हो सकता है hmm. साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स देर शुड बी अ सर्टनिटी ऑफ मीनिंग सो बेसिकली द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड इट शैल नॉट बी वेग इट शैल नॉट

To be performed and such a contract cannot be valid in nature. Yes or no oh guys? Yes. Sati in the last session me, section number 10 ki bhi To kariti. Top jante, what does section number 10 talk about? Section number 10 talks about the essential elements of a valid contract. Section number 10 talks about the essential elements of a valid contract. सबसे पहला एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ही जिसके बारे में कहा गया है इज दैट देर शुड बी एन अग्रीमेंट अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इज एन अग्रीमेंट तो एक पार्टी से ऑफर आना जरूरी है और दूसरी पार्टी ने उसी ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एंड अग्रीमेंट और यही अग्रीमेंट का लीगल इंटेंशन होना चाहिए तो ही आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है पॉइंट नंबर टू हमने लास्ट सेशन में देखा था विच वॉज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये पॉइंट कहता है कि पार्टीज का फ्री कंसेंट होना जरूरी है पहली बात तो कंसेंट होना जरूरी है कंसेंट मतलब मंजूरी होना जरूरी है मंजूरी मतलब नाउ बोथ द पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम बोथ द पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम ओके इसी को लैटिन में कहते हैं क्या आप लोग मुझे बता, बता सकते हो वॉट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिटी ऑफ माइंड को लैटिन में हम क्या कहते हैं कैन यू ऑल टेल मी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स को लैटिन में हम लोग क्या कहते हैं क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो वेरी गुड तो सबसे पहले मुझे हर्ष ने और ममता ने एकदम सही जवाब दिया है प्रांजलि ने कहा है और साथ साथ में कंसेंसिस एट इडियम मुझे एम uh... मुझे श्री ने कहा है रिया ने कहा है सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स आराध्या ने कहा है ऋतिक ने कहा है जतिन ने कहा है बुशरा ने कहा है साइली ने कहा है क्या बात है हर्षा ने कहा है सुविधा वर्षा क्या बात है आरव ओमनी केशव कुनार क्या बात है चार्ट की स्पीड तो देखिए आप लोग तो ऐसे केस में माई डियर फ्रेंड्स वेरी गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू इनफैक्ट मैंने आपको आपकी बुक्स के लास्ट पेज पे लैटिन वर्ड और मीनिंग लिखने के लिए कहा भी था सो यू ऑल नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड मीटिंग ऑफ माइंड को लैटिन में हम लोग कहते हैं एस कंसेंसिस एड इडीएम सो बेसिकली स्पेलिंग सीओ एन एसई एन एस यूएस

मीन बाय फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट कब होता है पांच चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कंसेंट दैट हैज नॉट बीन कॉस्ड बाय कोअर्शन अंडू इंफ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक एनी कंसेंट दैट हैज नॉट बीन कॉस्ड बाय कोअर्शन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक इज नोन एज फ्री कंसेंट ओके okay, तो ऐसा कभी भी अगर हुआ है कि आपका कंसेंट हैज बीन ऑप्टेन्ड बाय कोअर्शन आप याद कीजिए गन पॉइंट पे मैंने आपको कुछ चीज कहने के लिए हा कहा है मजबूर किया है तो अब ऐसे केस में आपने हा तो कह दिया है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा तो आपको आपकी जान की कीमत है आपने हा तो कह दिया है कंसेंट तो दे दिए बट आपकी कंसेंट फ्री नहीं है Your consent was obtained under physical pressure because I have threatened you to kill you. Okay, so physical pressure may, if you to say it, it will be considered as if this consent is not free. And if it is not free, the contract is not a valid contract. Similarly, under influence, mein, physical pressure nahi hai. प्रेशर इज मोर ऑफ मेंटल प्रेशर जैसे लास्ट बैच में लास्ट लेक्चर में किसी बच्चे ने एकदम सही कहा था इट इज समिंग ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना लेमैन लैंग्वेज में इमोशनल ब्लैकमेलिंग यहां पर हमने किसी को फिजिकली थे नहीं किया है कि मैं आपको मार दूंगा या आपकी प्रॉपर्टी को जला दूंगा या ऐसा कुछ हमने नहीं किया है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आ, ऐसे पोजिशन में है जहां पे वी कैन इंफ्लुएंस दैट पर्सन बट नाउ वी हैव टेकन एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ आर पोजिशन तो अनफेयर एडवांटेज हमने हमारी इंफ्लुएंस का उठाया है और हमने उस पार्टी को मजबूर किया है हा कहने के लिए इसको कहते हैं एज अनड्यू इन्फ्लुएंस सो इट इज बेसिकली मोर ऑफ मॉरल प्रेशर, याद कीजिए uh, बूढ़े कमजोर पिताजी एंड हिज यंगेस्ट सन का एग्जाम्पल क्या तुम्हें याद है हाँ या ना साथ साथ में फ्रॉड एंड मिसरीप्रेजेंटेशन आई टोल्ड इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में आपने जान बूझ के झूठ बोला है और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपसे हो गई गलती से मिस्टेक ओके okay? तो आपने जब झूठी बातें बोली है आपको लगा कि जो कुछ भी आपने कहा है वो सच है बट रियालिटी में वो झूठ था सो इन फैक्ट यू आर योर सेल्फ नॉट अवेयर दैट दीज स्टेटमेंट वर फॉल्स इन नेचर दैट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन ओके एंड लास्ट थिंग वॉज मिस्टेक जो मैंने आपको कहा है मिस्टेक यहां पे नहीं वहां पे कवर होने वाला है वहां पे मतलब कहां पे इन unit number three okay so they go my dear friends first of all what should happen is you should take the consent of the other party and plus this consent that you have taken from the other party should be free in nature free in nature means it should not have been caused by coercion undue influence fraud misrepresentation and mistake so this is the revision of whatever I have done till now, okay? So, 15 minutes, totally for a detailed revision of whatever we have done in the past four to five days. Now, I am beginning with the new point, that is the next point, point number three. Which is talking about capacity of the parties. Okay. So you all know what is the rule of the class? You have to suspend whatever other things you all are doing. You have to sit straight like good children. Acha batchona looks up. Yes. And your eyes and ears should be open. Only concentration should be in the subject of law. Nobody is going to chat now.

after the explanation part is over because otherwise if you unnecessarily keep on sending the messages it is not only disturbing me but it is also disturbing my other sincere students which we cannot do okay so we are professional students okay so we have to behave in a professional manner you have to wait for your turn okay patience chalo ajaye okay वेरी गुड राहुल राहुल कह रहे हैं मैम हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं वेरी गुड हार्दिक ने अच्छे बच्चे की तरह फिंगर ऑन हिज लिप्स क्या बात है मुझे बचपन <laughs> की स्कूल टाइम प्राइमरी स्कूल टाइम्स की uh, याद आ गई थैंक यू सो मच श्रेयर्स कह रहे हैं मैम आपकी बैटरी हंड्रेड परसेंट चार्ज हो गई थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न सो स्वीट ऑफ यू सो है चार्जर थैंक यू सो मच श्रेयर्स साक्षी आप लास्ट सेशन uh, में एबसेंट थे क्या और अभी का रिविजन भी आपने अच्छे से नहीं सुना मैंने आपको कहा ना मिस्टेक में बेटा मिस्टेक अभी नहीं पढ़ाओगी मिस्टेक विल बी टॉट टू यू इन यूनिट नंबर थ्री ईशान और ममता क्यों नाच रहे हैं डैप क्यों कर रहे हो ईशान आप आई डोंट नो वॉट इज दिस सिंबल आई डोंट नो दिस इमोजी आई एम नॉट क्वाइट श्योर डैब करना ओके okay. चलो आ जाइए ओके ओके टीशा ने भी अपना मुंह बंद रखा हुआ है वेरी गुड नाइस ओके यस द प्रीवियस लेक्चर दैट आई हैड कंडक्टेड ऑन सेवंथ ऑफ जून विल बी अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन बाय टुडे इवनिंग ओके तो आज शाम तक का मुझे समय दीजिए इट विल गेट अपलोडेड डोंट वरी ओके okay that is shinchan yeah Acha. i didn't know that fine 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 got it so don't behave like shinchan he's a very naughty child okay i want you all to behave like good children okay ajay come on so uh, very nice sit straight point number three पॉइंट नंबर थ्री जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अब सुनो एवरी वन टू सिट सीट एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर आई एम नाउ ओके जतिन कह रहा है मैम हम आपसे पुणे मिलने आ रहे हैं आ जाइए बेटा नो प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम ओके हे भगवान अपूर्वा चलो सुनो ना मेरी बात कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ओके सुनो मेरी बात वापस से मैं क्या हूं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इंटू अट्रैक्ट वट यू मीन बाय कैपैसिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट अब सेक्शन टेन इस बारे में बात नहीं करता है सेक्शन नंबर इलेवन इस बारे में बात करता है और सेक्शन इलेवन कहता है माना जाएगा अगर माना जाएगा अगर आप एक मेजर हो आपका माइंड साउंड है एंड यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ तब ऐसे केस में ऐसे केस में यू आर हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट वापस से सुनो मेरी बात ना सुनो ना मेरी बात uh, तीन चीजें होना जरूरी है और ये तीनों में चीजें अगर आप फुलफिल करते हो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉट आर दीज थ्री थिंग्स ओके फर्स्ट यू शुड बी अ मेजर You should be having a sound mind and you should not be disqualified by law. tino bhi cheeze agar aapne satisfy kiye to hi mana jayega that you have the capacity to enter into a contract. अगर आपने तीनों में से कोई एक पॉइंट भी सटिस्फाई नहीं किया है, the contract cannot be considered as a valid contract. The contract cannot be considered as a valid कॉन्ट्रैक्ट अब एक एक करके सारी चीजें देखते हैं सबसे पहली बात तो वेन इट बी कंसिडर्ड यू आर अ मेजर तो देखो यू आर अ मेजर यू आर नॉट अ माइनर यू आर अ मेजर वेन यू आर नॉट अ माइनर बट वेन विल यू एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज अ मेजर तो अब मेजर इस शब्द की हम डेफिनेशन देखते हैं मेजर ये शब्द की डेफिनेशन कहती है दैट अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ मेजर व्हेन ही इज नॉट अ माइनर व्हेन ही इज नॉट अ माइनर बट नाउ माइनर दिस वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस है और इसी एक्ट का नाम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में लिखती हूं आप लोगों के लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 तो सुनो ना मेरी बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज गिविंग अ रेफरेंस ऑफ सम अदर एक्ट and the name of this act is the indian majority act 1875 indian ka i capital majority ka a capital act ka a capital kya aapko pata hai ye cheez maine aise kyu likhi hai so i'm assuming you know this particular point because you have watched my lecture number 2 yes or no guys yes और ये ye Indian Majority Act 1875 minor इस शब्द को कुछ इस तरह से define करता है और कहता है any बच्चा okay, any बच्चा who has not completed 18 years of age so a minor is a person who has not completed 18 years of age will be considered as a minor but yes under certain special circumstances under certain special circumstances

ऐसे केसेस में यू विल बी कंसिडर्ड एज माइनर टिल द टाइम यू हैव नॉट कंप्लीटेड 21 वन ईयर ऑफ एज तो अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो यू शुड बी अ मेजर ओके यू शुड बी अ मेजर सो हु इज मेजर अ मेजर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ माइनर बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर इस शब्द को डिफाइन नहीं करता है बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस दिया है और इस एक्ट का नाम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 और ये एक्ट कहता है यू विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम You have not completed 18 years of age. Only in certain special circumstances you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. So basically, Contract Act में माना जाता है कि 18 साल की उम्र में you get the maturity to understand आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुड है, है, क्या बाद बैड है, क्या एंजल है और क्या डबल है. And that is why ंग यू द कैपेसिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट वंस यू हैव कंप्लीटेड एटीन ईयर्स ऑफ एज ओके सो बेसिकली माई डियर फ्रेंड्स सुनो ना मेरी बात अगर आप चाहते हो कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो वैलिड होना चाहिए यू शुड फर्स्टली सिर्फ सिर्फ आप ही नहीं इनफैक्ट जो दोनों भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है Those parties should be major, should be sound mind, and should not have been disqualified by law. First point says that you should be a major. A major means a person who is not a minor. So come manajwega that you are a minor. Till the time you have not completed 18 years of age, you will be considered as a minor. सो so बेसिकली अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है ये वाला पीपीटी ऑलरेडी आपके पीपीटी uh, बुक में है सो यू नीड नॉट राइट डाउन द पीपीटी ओके सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट अगर आप चाहते हो कि आपने एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मेक इट श्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर मेजर अगर किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके राहुल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से ये कौन सी डेट से लागू हुआ था कौन कौन सी चीज कौन सी डेट से लागू हुई है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बेटा डिस्कालीफाइड बाय लॉ पर अभी तक मैं पहुंची नहीं हूं सो जस्ट वेट आई एम स्टिल ऑन द फर्स्ट पॉइंट के यू शुड बी अ मेजर है ना uh, सुरेंद्र नोट्स जो है आपको दिए जाएंगे ना सो दिस टेक्सट बुक अलॉग विथ द पीपीटी बुक एंड द क्वेश्चन बैंक एंड द चार्ट बुक विल बी डिस्पैच टू यू सो यू डू नॉट राइट डाउन एनीथिंग सिर्फ जो एग्जाम्पल्स है वो आपको लिखने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू नॉट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग सुरेंद्र प्लीज वॉच माई ओरिएंटेशन क्लास यूल अंडस्रस्टैंड वट इज टू बी रिटन एंड वॉट इज नॉट टू बी रिटन ओके इवन जतिन है ना ठीक है बच्चों अपूर्व अपूर्व पूछ रहा है मैम अगर किसी माइनर को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो क्या डोंट वारी यूनिट नंबर थ्री में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं सो डोंट वरी ओके So, yes, if a contract is entered between two minors, such a contract is not going to be considered as a valid contract. Okay. Agarap your contract valid. Ho, the parties should be major. Okay. Major means they should have completed 18 years of age. ट्वेंटी वन ईयर्स वाला एक्सेप्शन जो है वो ये कहता है दैट सर्टन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड इज एन ऑर्फिन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ माइनर टिल अ टाइम ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज ओके बट वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज आपके सिलेबस में नहीं है आपके सिलेबस में सिर्फ जनरल वाला पॉइंट है जो कहता है अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ऑफ एटीन इयर्स ऑफ एज ओनली आफ्टर विच ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर ओके बिकॉज देखो इफ अ चाइल्ड इज एन ऑर्फेन दे माइट बी अ थ्रेट कि कोई उसका अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेने की कोशिश कर रहा है एंड दैट चाइल्ड को गाइड करने के लिए कोई नहीं मम्मी पापा तो नहीं है ना तब ऐसे केस में हो सकता है दैट समड़ी इज ट्राइंग टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ दैट चाइल्ड एंड दैट इज वाई वी हैव पुट द बार एट ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज ओके Sneha Jaiswal, you will get the answer to your question. Just wait till unit number three, okay? Everything is there in the PPT book, so you need not worry, okay? Next point. Special cases is not in your syllabus, Himanshu, so you need not worry, okay? संजना आपके सवाल का जवाब है देन ही विल बी कंसिडर्ड एज मेजर ओनली ओके ठीक है किसी ने पूछा है मैम वोटिंग के लिए कोई भी स्पेशल केसेस नहीं बेटा वोटिंग के लिए वोटिंग के अपने दूसरे कानून हैं आपने मेरा लेक्चर नंबर टू नहीं देखा है क्या सो वी आर नॉट अप्लाइंग दैट डेफिनेशन ऑफ योर वी आर ओनली लुकिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वी आर नॉट लुकिंग इन टू वोटिंग राइट ठीक है चलो

what is happening in and around themselves now in such if a person is permanently of unsound mind unfortunately such a person can never ever enter into a valid contract ok but now if a person is temporarily of an unsound mind if a person is temporarily of an unsound mind like लूनाटिक लूनाटिक मतलब एग्जाम्पल uh, अगर देना हो तो मैं कह सकती हूँ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एपिलेप्टिक फीट्स तो जब कभी भी वो पर्सन को फीट का अटैक आता है दैट टाइम हिज माइंड इज अनसाउंड दैट टाइम हिज माइंड इज अनसाउंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिज माइंड इज ऑलवेज साउंड ओके तो जब कभी भी उसको वो फीट का दोहरा आया है तब लॉ मेकर्स मानते हैं कि उनका माइंड अनसाउंड है और उस समय पे उससे किया गया कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट नाउ इफ योर माइंड इज साउंड इफ योर माइंड इज साउंड ओके एपिलेप्टिक फीट क्या 24 फोर सेवन नहीं आते हैं कभी तो भी महीने में एक आधे बार या दो महीने में एक आधे बार आपको कुछ समय के लिए आते हैं Apart from that, if you have been with such a person, that person seems to be a, and behaves to be as a quite normal person like you and me. So he is very sound at other times. Apart from the time he is suffering from a fit. Now, in such mind is sound. Hai. ऐसे समय पे अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो देन ऐसे समय पे वी विल कंसिडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं मैम गजनी इफेक्ट गजनीस सम वॉट लाइक दैट आप समझ लीजिए जहां पे हिज माइंड इज समाइम्स साउंड एंड समाइम्स अनसाउंड एंड अनदर क्लासिक एग्जाम्पल कुंकिंग पर्सन तो से फॉर एग्जाम्पल आज सैटरडे नाइट है आज आपके यार की बर्थडे है और आपका यार 18 से 18 तो नहीं कह सकते इक्कीस साल का हो चुका है आप लोग सब 21 इयर्स के हो चुके हैं एंड नाउ यू जस्ट पार्टी ओके हाउस पार्टी है तो सारे ड्रिंक शिंग्स है एंड यू बिकम हाई ओके यू आर ऑन हाई सो वेन यू आर ऑन हाई Your mind is not sound. You don't understand what is happening with you. मतलब आप uh, cloud nine पे already हो आसमान और आपको चांद सितारे दिख रहे हैं ऐसे समय पर अगर आपसे कोई contract sign करवाता है such a contract is not a valid contract. Why? Because your mind is temporarily unsound. Okay? But it's not that you are always of unsound mind. है ना आप हमेशा high पे नहीं रहते हो आप आप एक इंसान हो और ओकेजनली आपने ड्रिंक कर लिया तो अदर देन दैट वेन एवर यू आर साउंड माइंड यू कैन ऑलवेज एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक यस कबीर सिंह का कोई एग्जाम्पल आई आई ऑल रियली सो मच मूवी फैंस हर कोई चीज में बोल रही हूं आप लोगों को तुरंत याद आ जा रहा है मैम गजनी मैम कबीर सिंह क्या बात है यार वैसे इवन आई एम अ मूवी फ्री का आई लव टू वॉच मूवीज सो यस सो कबीर अगर हाई पे है एंड दैट टाइम समबडी मेक्स हिम एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन ही कैन से मेरा जो माइंड था उस समय पे परसाउंड माइंड था एंड आई डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके चलो येस बेटा एटीन के बाद अठारह के बाद आप पार्टी कर सकते हो बट ड्रिंक्स नहीं ले सकते हो ठीक है सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रियंका वी आर नॉट लुकिंग इन टू द वोटिंग राइट सो आई थिंक यू शुड जस्ट कट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज राइट नाउ वॉट यू आर फोकसिंग इन फोकसिंग ऑन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना तो वोटिंग से रिलेटेड राइट्स वगैरह यू शूड जनरली नो एज एन इंडियन सिटीजन सो वीड राष्ट्रपॉन इट नहीं तो फिर हम लोग ऑफ ट्रैक चले जाएंगे सो इवन आई है आंसर टू एवरी क्वेश्चन आस्किंग आई वुड ट्राई टू ट्राई टू गिव यूल आंसर स्पेशली दो इज रिलेटिंग टू आर टॉपिक है ना चलो आ जाइए चलो सो दिस पीपीटी इज ऑल्सो देर इन योर पीपीटी बुक सो यू नीड नॉट राइट एनीथिंग ओके किसी ने पूछा है मैम लूनेटिक का क्या मतलब होता है लुनाटिक मीन्स अ पर्सन हु इज अ टेम्पररीली इल नॉट ऑलवेज इल ओके तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कहा है कि परमनेंट इलनेस परमनेंटली अनसाउंड बट राइट साइड में मैंने लूनाटिक का एग्जाम्पल दिया वही लूनाटिक का मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एपिलेप्टिक फीट्स सो ही इज मेंटली इल फॉर अ सर्टन टाइम बट अदरवाइज ही इज ऑलवेज साउंड सो वेन एवर ही इज साउंड में एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके तो देखो अभी तक दो चीजें आप लोगों ने देखी है कौन सी है ये दो चीजें सबसे पहली बात है दैट इफ यू वॉन्ट टू एंटर इंटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यू शुड बी अ मेजर एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट यू शुड बी हैविंग अ साउंड माइंड अ पर्सन अ कॉन्ट्रैक्ट हुज हैविंग एन अनसाउंड माइंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंसिडर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके लुनेटिक का एग्जाम्पल और मीनिंग मैंने बता दिया बेटा है ना नेक्स्ट नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ अगर आप यहां पर देखोगे नॉट डिसक्वालिफाइड नॉट डिसक्वालिफाइड नॉट डिसक्वालिफाइड सो बेसिकली टू नेगेटिव इज गोइंग टू मेक इट अ पॉजिटिव जब मैं कहती हूं नॉट डिसक्वालिफाइड इट मीन्स बेसिकली यू शुड बी क्वालिफाइड बाय लॉ बट देखो नेगेटिवली लॉ को बताना इज लॉट मोर इजियर एज कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू यू पॉजिटिवली क्योंकि हमने क्या किया है लॉ में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एक लिस्ट दे दी है और हमने कहा है ये सारे लोग जो है दे आर डिस्कालीफाइड बाय लॉ और अगर आप डिस्कालीफाइड नहीं हो मतलब आप क्वालिफाइड हो और अगर आप क्वालिफाइड हो यू कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थैंक यू सो मच राहुल राहुल कह रहा है मैम क्लास में क्या इंग्लिश क्लास होने वाली है बेटा आपके सवाल का जवाब मेरे क्लास के बाद होगा करंटली मेरी इंग्लिश की क्लास है उस पर तो ध्यान दीजिए आप लोग हमेशा से ऐसे ही रेस्टलेस रहे हो क्या क्या कभी आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़े भाई बहनों बहनों ने आपको कहा है कि आप बहुत रेस्टलेस हो मतलब अब आप यहाँ पे मेरे क्लास में बैठे हो मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रही हूँ आप लोगों के लिए और आप मैम इंग्लिश क्लास होगी क्या मैम ऐसा हो गया मैम उस एपिसोड में वैसा हुआ था मैम आपने फैमिली मैन देखा है क्या मैम गजनी में ऐसा हुआ था मैम कबीर सिंह में ऐसा हुआ था मैम ये क्या मैम वो क्या मैम एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है मैम ऐसा क्यों मैम चैट क्यों बंद रखी है मैम आपने यहाँ पे क्यों चालू किया ओ oh माई गॉड संभालो अपने आप को बेटा थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक अ डीप ब्रेथ एडवांटेज ऑफ हैविंग टी और कॉफी ड्यूरिंग माई क्लास है ना तो अगर आप चाहते हो प्लीज है कप ऑफ टी हैव अ कप ऑफ कॉफी बट प्लीज बी अ लिटिल काम संभालो अपने आप को ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स विच आर बींग डन फॉर यू मैं आई हूं आप लोगों के लिए उस पर ध्यान दीजिए यहां वहां की बातों पर ध्यान मत दीजिए आई एम वरिट फॉर ऑल योर अगर वर्चुअली आप इतने रेस्टलेस हो आई हैव नो कंट्रोल हो वॉट इज एक्चुअली बीन डन एट योर प्लेस पता नहीं आप घूमते घूमते पढ़ाई कर रहे हो खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहे हो आई हैव नो क्लू प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करियो प्लीज बी सिंसियर टूअर्ड योर सेल्फ बेटा आप लोगों को क्लियर होना है हमने कुछ लिया है और वो सीए के एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प में क्रैक करने का एंड यू हैव टू पुट इन एफर्ट बायर सेल्फ अगर ये फेस टू फेस क्लास होती तो अभी मैं बच्चे को उठाती थी और पनिश करती थी बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल आपको आपके साइड से आना जरूरी है है ना बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं मतलब आप लोग सच में रेस्टलेस और आप लोगों के पेरेंट्स ने कहा है कि बेटा आप कितने रेस्टलेस हो थोड़ा सा काम रही है कोई बात नहीं अगर मैं आपको काम नहीं कर पाऊंगी आपका बॉस जो है आर्टिकलशिप में जरूर आपको पेशेंट होना सिखा देगा तो वक्त के साथ साथ शायद आप चीजें सीख ही जाओगे आई थिंक है ना सो यस इवन आई थिंक इवन यू कैन को रिलेट के कमेंट्स चालू है सो इट इज कीपिंग ऑन डिस्टर्बिंग मी ऑल्सो एंड दी अदर स्टूडेंट ऑल्सो सो यू हैव टू लिटिल बिट ओके यू हैव टू बी काम and keep on listening okay then you will understand sare sawalon ke jawab maine diye agar aap dekhoge same cheez hai 10 bachche wahi pooch rahe hai so if you listen you will get the answer to everything hai na ha yes yes sohan i am a very strict teacher okay chalo So, किस चीज पे डिस्कालीफाई करते बेटा Paras, I am coming to that particular point, है ना तो सुनो मेरी बात टन एग्जाम्पल जैसे कि लॉ मेकर कहते हैं अ कॉन्विक्ट इज नॉट अलाउड टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्विक्ट इज नॉट अलाउड टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्विक्ट मतलब कौन होता है मुजिरिम जो अभी बेसिकली जेल की सजा काट रहा है सो इफ यू आर अ कॉन्विक्ट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट आपने देखो आप जेल में हो मतलब बेसिकली आपने सोसाइटी के कुछ नियमों को तोड़ा है तो जो सोसाइटी में आप रहते हो उसकी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली हम आपको जेल में डाल देंगे सोसाइटी से अलग ताकि आपको उस चीज की कदर होने लग जाए जिस चीज को आपने तोड़ा है सोसाइटी की आपने रिस्पेक्ट नहीं की है तो आपको अलग रख के हम अब आपको रियलाइज करवाएंगे कि जो आपने किया है वो कितना गलत है तो so ऑब्वियसली बात है इफ यू आर अ कॉन्विक्ट वी विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ में दूसरे लोग भी होते हैं जैसे कि लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज एन इनसोल्वेंट पर्सन हु इज एन इनसोल्वेंट पर्सन है ना इनसॉल्वेंट पर्सन मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसकी एसिड्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा इंसॉल्वेंट पर्सन ऐसा एक पर्सन होता है जिसकी एसिड हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा जब तक ये इंसॉल्वेंट पर्सन की इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज नहीं होती है तब तक यह पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है किसी ने ईशान कह रहा है संजय दत्त बट लेटमीटमी मेक इट क्लियर सुनो ना मेरी बात संजय दत्त वॉज अ कॉन्विक्ट उन्होंने कुछ गलत काम किए थे जिनके लिए उनको सजा डिक्लेयर हुई थी और उन्होंने अपनी सजा काट ली है करेंटली ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट करंटली जो गलत काम किया था उसकी सजा उन्होंने काट ली और खत्म हो गई वो कहानी right तो नाउ सजा खत्म हो गई है he can enter into valid contracts. कब वो वो नहीं एंटर कर सकते थे? थे। जब वो सजा काट रहे थे? अभी उनकी सजा खत्म हो चुकी है नाउ ही इज जस्ट लाइक अ पर्सन लाइक यू एंड मी एंड कैन एंटर इंटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना हाँ, तो यस किसी ने कहा है बैंक्रप्ट सो वेरी गुड सो इनसोल्वेंट पर्सन का लेमैन वर्ड में शब्द है अ बैंक्रप्ट पर्सन ओके सो सोर्सन डिक्लेर इन सोलवेंट बाय द कोर्ट कैन नॉट एंटर इंटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्टिल द टाइम हिज इन सोलवेंसी इज डिस्चार्ज वंस हिज इंसॉल्वेंसी इज डिस्चार्ज ही कैन कंटिन्यू एंटरिंग इंटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब क्या ऐसा कोई पर्सन जिसकी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा ऐसा पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है है ना तो अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ पर्सन हुक्फाइड बाय लॉ अगर आप डिसक्वालिफाइड नहीं हो मतलब आप क्वालिफाइड हो और अगर आप क्वालिफाइड हो यू कैन एंटर इन टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके अच्छा कोई कह रहा है मैम कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज है तो उसका क्या होगा तो अब लेट मी टेल यू वन थिंग अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज इज नॉट ऑलवेज एन इनसोल्वेंट कंपनी है ना हो सकता है यू आर सफरिंग लॉसेस हो सकता है यू आर सफरिंग लॉसेस बट यू आर नॉट इनसॉल्वेंट है ना बिकॉज कंपनी अलग होती है एंड पर्सन अलग होते हैं सो नॉट नेसेसरी हो सकता है चलो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस साल बहुत सारे कंपनीज ने लॉसेज सफर की है बिकॉज ऑफ द कोविड क्योंकि आपके शॉप्स बंद है होटल्स बंद है रेस्टोरेंट बंद है तो आपने लॉस सफर किया है बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव बिकम इन्सोल्वेंट क्योंकि आपकी वेल्थ ऑलरेडी क्रिएटेड है आपका कैपिटल है आपके रिजर्व है आपका सरप्लस है आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इनसॉल्वेंट पर्सन नॉट पर्सन हू हैव मेड लॉसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू ओके चलो आ जाइए थैंक यू सो मच आरजी थैंक यू आ जाइए तो देखो वॉट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट हाँ ईशान ने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया है किसी का दिवाला निकल गया है मतलब वो पर्सन जो है बेसिकली इनसॉल्वेंट हो चुका है है ना तो सुनो ना मेरी बात वॉट इज दिस पॉइंट सेइंग दिस पॉइंट से दैट अ पर्सन कैन एंटर इंटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ ही इज अ मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ आइए पेज नंबर फाइव पे तो अगर आप माइनर हो अनसाउंड माइंड के हो या डिसक्वालिफाइड बाई लॉ हो तो फिर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हो पेज नंबर फाइव पे आ जाइए ऑफ माई टेक्सट बुक्स एंड वील जस्ट रीड इट कपैसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल अबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट section 11 of the indian contract act specifies that every person, unlike every person, is competent to contract who is major, sound mind, and not disqualified from contracting. henna. so now, when will you be considered as a major when you have completed 18 years of age? Um, हा ना बेटा मैं बहुत गरीब हूँ क्या करू मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है उसकी लाइफ बहुत कम हो गई है अब क्या कर सकते इस गरीब को ऐसे ही चलाना पड़ेगा के नॉट हेल्प इट सम बैटरी प्रॉब्लम ठीक है अब नेक्स्ट बैच के जब पैसे आए उससे बैटरी चेंज कर लूंगी मैं अब पॉसिबल नहीं है इवन इफ द चाइल्ड किसी ने पूछा अडॉप्टेड चाइल्ड है डज नॉट मेक अ डिफरेंस वेदर यू आर अ नेचुरल चाइल्ड और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ओके डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस ठीक है चलो अरे बेटा मेरे पास बैटरी खरीदने के पैसे नहीं है मैं लैपटॉप कैसे खरीदूंगी अरे <laughs> चलो आ जाइए Uh, second point says that uh, the person should also be having a sound mind. Sound mind means that he should be in his senses so that he can understand the implications of the contract at the time of entering into a contract. Okay? So a drunken person, a lunatic, an idiot—they are not having a sound mind, so they cannot enter into a valid contract. Or third person here: such person shall not be disqualified by any law. ओके okay. तो मैंने जैसे एग्जांपल्स दिए थे मैंने कॉन्विक्ट का एग्जाम्पल दिया था और मैंने एक इनसॉल्वेंट पर्सन का एग्जाम्पल दिया था सच पर्सन आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दे आर डिसक्वालिफाइड बाय अ सर्टन लॉ टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलो एक पॉइंट हमारा हो चुका है एंड प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके प्लीज मार्क पॉइंट नंबर फोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना मेरे को ये शिनशान वाला इमोजी बहुत अच्छा लगा यार मैंने पहली बार देखा यह इमोजी टाइम मस्त हाउ डू वी सेंड दैट इमोजी आई डोंट नो आई आई कैन ओनली सेंड दीज नॉर्मल इमोजीज फ्रॉम वेर वी गेट सच इमोजीज लायन एलिमी और फॉरेन uh, सर्वेरियर मैं आपको बाद में कराऊंगी इन यूनिट नंबर थ्री करंटली जस्ट गो विद द फ्लो जितना मैं सिखा रही हूं यू मेक इट श्योर कि आप लोगों को उतनी बातें समझ में आ रही है, है ना ठीक है चलो नेक्स्ट कंसिडरेशन ओके

तो आप लोग यहां पे जानते हो यहां पे क्या हुआ था आमिर अपनी कार शाहरुख को दे रहा था और जिसके बदले में शाहरुख खान दे रहे थे पांच लाख रुपए तो अब अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे आमिर कार दे रहे हैं जिसके बदले में उनको मिल रहे हैं जिसके बदले में उनको मिल रहे हैं पांच लाख रुपए तो हम कह सकते हैं आमिर के लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज रुपीज फाइव लैक्स हम कह सकते हैं आमिर के लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज रूपीज फाइव लैक्स बिकॉज वो कार दे रहे हैं और उसके बदले में समथिंग दैट इज गेटिंग इन रिटर्न इज फाइव लैक रुपीज सो फाइव लैक्स विल बी कंसिडर्ड एज द कंसिडरेशन फॉर मिस्टर आमिर वही पे अगर आप शाहरुख के नजरिए से देखेंगे तो एम नॉट यूजिंग द ग्रीन मार्कर बिकॉज पिछले टाइम ग्रीन मार्कर से किसी को प्रॉब्लम हो रहा था राइट right? अगर आप शाहरुख के नजरिए से देखते हैं शाहरुख पांच लाख रुपए दे रहे हैं जिसके बदले में उनको मिल रही है कार जिसके बदले में उनको मिल रही है कार जिसके बदले में उनको मिल रही है कार सो वॉट इज गेटिंग इन रिटर्न इज द कार सो द कंसिडरेशन फॉर शाहरुख खान इज द कार कंसिडरेशन फॉर शाहरुख इज द कार सो इन एनी कॉन्ट्रेक्ट वट एवर यू गेट इन रिटर्न इज द कंसिडरेशन तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूं जिसके बदले में आई एम गेटिंग रूपीज फाइव थाउजेंड फ्रॉम यू सो फॉर मी द कंसिडरेशन इज रूपीज फाइव थाउजेंड आप पांच हजार रुपए मुझे दे रहे हो जिसके बदले में आपको सीए फाउंडेशन लॉ मैं पढ़ा रही हूं सो वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम माई साइड इज सर्विसेज ऑफ सर्विसेज एज अ टीचर फॉर सी ए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट सो आपके लिए कंसिडरेशन इज माई कंसेप्ट माई बुक्स एंड माई टाइम एंड माई एक्सप्लेनेशन वट एवर यू गेट इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन कंसिडरेशन इस शब्द का भी एक लैटिन वर्ड है एंड द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यू द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यू तो अब आपको कहां आना है आपकी बुक्स के लास्ट पेज पे आना है जहां पे आपने लिखे हैं लैटिन वर्ड्स एंड दे आर मीनिंग इसी में आपको लिखना है पॉइंट नंबर टू क्या लिखोगे लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो सब लोग सब लोग मेरे साथ कहिए तो वॉट इज द लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो बोलो तो क्विड प्रो क्यों क्विड प्रो क्यू और इसी क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है कंसिड्रेशन सो आई एम अज्यूमिंग एवरी वन ऑफ यू ऑल नाउ हैज सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ और उसी नोटबुक के लास्ट पेज पे मैंने आप लोगों को आपके पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कहा था लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग वहीं पर आपको लिखना है लैटिन वर्ड क्वीड प्रो क्यो जिसका मतलब होता है कंसिडरेशन और अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो समथिंग इन रिटर्न सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए देर शुड बी कंसिडरेशन दैट शुड बी प्रेजेंट देर शुड बी कंसिडरेशन दैट शुड बी प्रेजेंट अगर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट देखो ना यहां पे आमिर और शाहरुख के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट था क्योंकि कुछ देने के बदले में आपको और कुछ मिल रहा था बट अगर आप कटरीना वाला एग्जाम्पल देखते हो या विराट वाला एग्जाम्पल दे रहे हो यहां पे कटरीना चाय देने वाली जिसके बदले में सलमान को कुछ नहीं मिलने वाला है इन रिटर्न तो यहां पे व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कंसिडरेशन वाज एब्सेंट सो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा वेन देर विल बी कंसिडरेशन दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न ओके गेटिंग दिस आर नो माई डियर फ्रेंड्स तो देखो लेट्स रीड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडरेशन क्या बोथ साइडेड होती है जी हां बेटा कंसिडरेशन बोथ साइडेड होना जरूरी है अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो देखो कंसिडरेशन इज रिफर्ड एज क्विड प्रो क्योर दैट इज समथिंग इन रिटर्न ओके सो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन तो एक साइड से होना जरूरी है बट अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर फाइव कहता है आपका कंसिडरेशन लॉफुल भी होना जरूरी है सिर्फ कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है इट शुड ऑल्सो बी लॉफुल इन नेचर जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे घर खरीदने जा रहे हो सो आई एम सेलिंग द हाउस और आप कहते हो मैम घर के बदले में हम आपको ड्रग्स सप्लाई करेंगे कोकेन सप्लाई करेंगे अब देखो ड्रग्स देना क्या ये चीज लॉफुल है नो माई डियर फ्रेंड्स अगर हमारे बीच में ऐसी कोई अग्रीमेंट भी होती है जहां पे आई विल सेल यू माई हाउस एंड यू विल गिव मी ड्रग्स यू विल गिव मी कोकेन इन रिटर्न माई डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है कोई पूछ रहा है मैम बट अ फादर ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिज सन फॉर फ्री तो देखो दैट इज अ गिफ्ट दैट हैज बीन मेड ओके जब आपके पापा आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते दैट इज अ गिफ्ट दैट ही इज मेकिंग टू यू एंड देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप देखोगे यूनिट नंबर टू बेटा यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर टू देखो चालू होता है बहुत समय है यूनिट नंबर टू चालू होता है पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे और अगर आप यूनिट नंबर टू पे देखते हो पेज ट्वेंटी एट आपको नजर आएगा इन द फॉलोइंग केसेस दीज अग्रीमेंट्स आर मेड विदाउट कंसिडरेशन बट दे आर स्टिल वैलिड तो किसी ने मुझे शायद से चैट बॉक्स में मैसेज भेजा था पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और मैंने पापा को बदले में कुछ नहीं दिया है तो ये कैसे वैलिड हो गया बिकॉज इट इज फॉलोइंग अंडर द फर्स्ट एक्सेप्शन नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपके पापा और आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है देर इज अर रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फादर दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑब्वियसली इन राइटिंग जब आपके पापा ने आपके नाम पर ऑफिस किया था इट वॉज इन राइटिंग एंड इट वॉज रजिस्टर्ड एंड दैट इज वाई इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सो यू जस्ट हैव टू वेट माई डियर स्टूडेंट्स है ना मैं आपको दो दिन से चीख चीख के कह रही हूं प्लीज आप उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स पूछिए जो मैंने आपको सिखाया है जो अभी तक सिखाया अभी तो जिस शुरुआत हुई है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं पढ़ाती हूं फॉर अराउंड सिक्सटी आवर्स अभी तक मेरे पांच घंटे भी पढ़ा के नहीं हुए हैं तो मैंने आपको कहा भी था अगर आपको कुछ डाउट्स आ भी रहे हैं आ भी रहे हैं आ भी रहे प्लीज कीप द डाउट्स टू योर उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछोगे जो मैंने आपको सिखाया है ओके उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मैम इसमें कुछ तो नहीं समझ में आया है इसमें मेरे को ये डाउट अराइज हो रहा है देन यू आर फ्री टू आस्क मी डाउट्स ओके बिकॉज न्यू लॉ इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू ऑल

आई हो यहां पे प्लीज मेरे साथ चलिए मेरा हाथ मत छोड़िए मैं आपको मंजिल तक लेके जाऊंगी ये मेरी गारंटी है है ना दिस इज माय प्रॉमिस टू यू आई ऑलरेडी टोल्ड यूर एडमिशन लेना आपकी जिम्मेदारी थी इसके आगे की जिम्मेदारी आपने मुझ पे छोड़ दी है बस भरोसा रखिए ठीक है सब कुछ कवर होगा सो वेन वील कम टू पेज नंबर ट्वेंटी आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा बेटा ठीक है तो अभी तक मैंने आपको कहा है जनरली नो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बट क्योंकि सवाल आया है लेट मी टेल यू देर आर एट एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो इट मे हैपन इन दीज एट एक्सेप्शनेशन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके तो सुनो ना मेरी बात चलो एप्लीकेशन पे लेक्चर लैग हो रहा है ओके प्लीज कम हियर देन प्लीज कम हियर प्लीज टेल योर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन ओवर हियर Okay, please tell your other friends to join in on this particular link so that they don't miss the lecture. Okay? <laughs> सुनो ना मेरी बात। तो uh, सिर्फ सिर्फ consideration होना जरूरी नहीं है। consideration जो है

ट आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना जरूरी है वॉट यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब आपका पर्पज आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पज है आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पज है दैट ऑल्सो शुड बी लॉफुल इन नेचर तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टू मर्डर सम वन अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट का दिस ऑब्जेक्ट इज सच दैट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ फॉरबिडन मतलब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ यू कैन नॉट मर्डर सम वन इट इज नॉट अलाउड अंडर लॉ तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब कभी भी आप एंटर करते हो जहां पे आपका पर्पस इज अनलॉफुल देन माय डियर फ्रेंड्स इवन सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड इन

that your contract shall not be expressly declared to be void iske liye bhi aap likhoge please refer unit number 3 so unit number 3 mein in detail hum log 3 ghante padhne wale hai इसी point के बारे में. तो currently i am keeping it as pending जब कभी भी unit number 3 आएगा हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे और मैं वापस से फिर इस पेज को रेफर करूंगी तो जितना भी कुछ किया है काफी कम मैंने किया है आज तीन ही पॉइंट्स मैंने किए तीन भी या दो आई नो तीन ही पॉइंट्स मैंने किया है जो भी मैंने किया है मैं एक बार रिवाइज करूंगी एंड देन आई विल कॉल इट एंड ऑफ फॉर टूडे एंड प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एन होमवर्क फॉर टूडेज क्लास ओके तो सुनो मेरी बात सेक्शन नंबर टेन कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओके okay? वैलिड बेटा मैं मंजिल तक तो लेके जाऊंगी बट यू हैव टू प्रोिस दैट यू आर नॉट लीविंग माई हैंड तो जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो आपको सोल्व करना है आपको साथ साथ में जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको क्लास में देती हूँ वो आपको फॉलो करनी है अटेंटिवली मेरे क्लासेस को अटेंड करना है अटेंटिवली ऐसा नहीं है बस एप्लीकेशन को चालू कर दिया एप्लीकेशन यहाँ पे आप आपके बेड पे मोबाइल कहां एक जगह पे आप मस्त किचन में जा रहे हो चिप्स ले रहे हो चाय बना रहे हो चाय पी रहे हो ऐसा नहीं अटेंटिवली अटेंड करना है कोई जेन्युन रीजन के वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो ही बैकअप देखना है अदरवाइज लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों आप समझने की कोशिश करो आई एम कमिंग लाइव ओनली फॉर यू अदरवाइज फॉर माई पेन ड्राइव स्टूडेंट्स एंड माई गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी हैव द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो अगर मैं आई हूं इट इज ओनली फॉर यॉल सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट एंड यू हैव टू कम अलॉन्ग विथ मी लाइव एट द टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू

आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट ओके यू हैव टू फॉलो वट एवर आई एम सेइंग देन आई कैन गारंटी दैट रिजल्ट विल कम आउट है ना एडमिशन लेना इज नॉट गोइंग टू डू द वर्क फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू डू द वर्क राइट गाइज नहीं तो वो बच्चे भी है जिनको चालीस मार्क्स मिलते हैं जिनको मैं पढ़ाती हूं और वो भी बच्चे हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था जो 90 मार्क्स स्कोर करते हैं इन दिस पेपर ऑफ लॉ तो ऋषि को तो मैंने कुछ स्पेशल ट्यूशन दिए नहीं थे या पर्सनली घर पे पढ़ाया नहीं था जो मैंने बाकी के बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया था उसी तरीके से मैंने ऋषि को पढ़ाया था सो इट इज यू हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी

मॉर्य uh, एक तो पहले प्रोफेशनली मेरी सारी जिम्मेदारी है वो तो मैं आपका सॉल्व करूंगी और मैंने आपको uh, हमेशा से कहा है फॉर मी यू आर यू आर माय यंगर ब्रदर और सिस्टर तो एज एल्डर सिस्टर जैसे एल्डर सिस्टर अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करती है वैसे मैं आपको कंटिन्यूअसली गाइड करते जाऊंगी बट इट इज फाइनली अप टू यू हाउ मच यू आर वॉन्टिंग टू टेक फ्रॉम मी ठीक है बेटा व्हाट आर हैपेंड इन द प्रीवियस होमवर्क आई विल टेल यू वो लेक्चर जो था वो यूट्यूब पे ओपन लेक्चर था यू वोट बिलीव ऐसे तो लाइव स्ट्रीमिंग के 1300 एडमिशंस हुए हैं बट आई गॉट मोर देन 2500 मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट तो क्या हो गया था वो ओपन लेक्चर था तो हर बच्चा जिसने वो लेक्चर देखा था अराउंड आप देखोगे उसके कुछ बारह पंद्रह हजार व्यूज हो गए हैं उसमें से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस भेजे थे तो माई इंस्टाग्राम वॉज फ्लडेड विथ मैसेजेस बट मैं वही कह रही हूं अभी

फिर भी मैंने काफी बच्चों के मैसेजेस देखे थे और मैंने पर्सनली वन टू वन रिप्लाई किए भी थे तो मेरे साइड से जितना मैक्सिम होता है मैं करने की कोशिश करूंगी बट वंस आई गेट टू नो हुआ दी ऑथराइज स्टूडेंट उसके बाद देर विल बी नो इश्यूज बिकॉज नाउ आई नो के बच्चा मेरा ही है और उसने सिंसियरली होमवर्क किया है और उसने अगर भेजा है तो ऑब्वियसली मॉरली आई नो इट इज माई ड्यूटी आंसर तो मैं आंसर करूंगी भी और मैं रिप्लाई करूंगी भी ये वीक के लिए थोड़ा सा आप बेर कर भी दीजिए अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूं प्लीज गिव मी मैं मैं एडवांस में ही माफी मांग रही हूं अगर आपने होमवर्क दिया है और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई जस्ट इन केस ठीक है सो लेट जस्ट थिंग्स गेट स्ट्रीमलाइंड एक बार हम स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं एंड देन आई थिंक इट्स नॉट गुंड बी एन इश्यू देन आई नो जो भी है ग्रुप में वो जेन्युन ही है और मेरा बच्चा ही है और वो अगर सिंसियर है और अगर वो होमवर्क दे रहा है तो इवन आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू दिस थिंग दैट ही हैज डन ओके तो यस सुनो ना मेरी बात एंड यू आर ऑल अवेयर अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन द ग्रुप तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है टेलीग्राम ग्रुप इज बीइंग क्रिएटेड तो इसलिए मैं बोल रही हूं आप ये हफ्ता थोड़ा सा रुक जाइए बेटा है ना सुनो ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस अलोंग विद दैट द पार्टीज शुड गिव दर फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट यानी पहली बात तो कंसेंसस एट इडियम होना जरूरी है और साथ साथ में माई डियर फ्रेंड्स कंसेंट शुड नॉट द पार्टीज शुड हैव द कपेसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट कपैसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कैपेसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है दैट शुड बी मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ अलॉन्ग विथ दैट माई डियर फ्रेंड्स हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट प्लस आपका कंसिडरेशन लॉफुल भी होना जरूरी है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शल ऑल्सो बी लॉफुल तो देखो पांच पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है. है ना आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से टुडे, टुडे इज व्हाट द नाइन्थ ऑफ जून ओह, सो सॉरी सो टुडे नाइन्थ ऑफ जून का डिट्रीमेंट का मतलब होता है हार्मफुल, डैमेजिंग द इमेज ऑफ समवन Uh, कोई पूछ रहा दूरी है मैम डू यू हैव टू मेक द नोट्स दैट यू आर राइटिंग इफ यू विश टू यू कैन टेक डाउन द नोट ऑफ वट एवर आई एम राइटिंग अलॉन्ग विथ वेवर आई एम डूइंग द राइटिंग पार्ट बट जो पीपीटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है पीपीटी आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर पीपीटी बुक ठीक है आज का होमवर्क वो है यू हैव टू एक्चुअली राइट डाउन ओके ऑल द असेंशियल एलिमेंट ओके असेंशियल Elements of a valid contract as given under section ten. तो सेक्शन टेन के मैंने आप लोगों को फाइव पॉइंट्स पढ़ा है सिक्स पॉइंट मैंने आपको कहा है दैट विल बी टॉट टू यू इन यूनिट नंबर थ्री तो आप लोगों को ये पांचों पॉइंट्स कौन से ये पांच पॉइंट्स? आई जस्ट स्टिक देम ये पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर फाइव आपको लर्न करने हैं और लिखने हैं कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको लर्न करना है बेटा और आपको लिखना है इन द नोटबुक दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ हेडिंग दोगे एक्सप्लेनेशन दोगे हेडिंग दोगे और एक्सप्लेनेशन दोगे सिर्फ हेडिंग लिख के शॉर्टकट नहीं मारना है हर एक पॉइंट के हेडिंग के नीचे कम से कम एक से दो सेंटेंसेज आपको लिखने ट्राई टू लर्न एंड राइट देम ऑन योर ओन विदाउट रिफरिंग टू द टेक्स्ट बुक तो ये पांच पॉइंट लिख के आना है और लास्ट टाइम की तरह यू आर गोड टू सेंड मी द फोटोज ऑफ योर होमवर्क ऑन माई इंस्टा आई डी एंड ऑन इंस्टा आई एम अवेलेबल एस सी ए अंकिता अगर सी ए अंकिता की तरह आप सर्च नहीं कर सकते हो यू कैन सर्च इट इन द नेम ऑफ अंकिता मेहता टू थाउजेंड एंड एट ओके सो प्लीज इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट Tomorrow we are meeting, so you only have today's afternoon and evening. Please learn these five points, and I will see you all tomorrow. ye paancho bhi points are very 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 important. agar aapke ye points थरर nahi hai अगला topic जो मैं कल शुरू करने वाली हूँ types of contract, उसमें आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, so it's a request to you all, please learn these points.

Uh, कुछ बच्चों को अनऑथराइज़ बता रहा है कुछ बच्चे लॉग इन नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं तो उसके वजह से इंग्लिश uh, लेक्चर्स के लिए हमने डिसाइड किया है दैट इंग्लिश लेक्चर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे ओके सो दिस वीक विल नॉट बी हैविंग द इंग्लिश लेक्चर्स इंग्लिश लेक्चर्स

Write down the homework on your own and please do share the images of your homework on my Insta ID. agar अगर आप pe पे नहीं हो आपके बड़े भाई बहन मम्मी पापा के se aap से आप मुझे भेज सकते हो ठीक है और फिर भी अगर वो लोग भी नहीं है तो यू हैव टू वेट टिल मंडे टिल द टाइम वी आर क्रिएटिंग द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ओके थैंक यू बाय बाय